और आइए इस बीच एक बड़ी जानकारी। सूत्र बता रहे हैं कि केजरीवाल की तबियत अचानक से बिगड़ गई है। ईडी कस्टडी में तबियत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। शुगर लेवल लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। केजरीवाल का शुगर लेवल 46 तक गिरा, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल की तबियत बिगड़ने की खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है और शुगर लेवल 46 तक गिरा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। ईडी कस्टडी में अचानक से केजरीवाल की तबियत बिगड़ गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। 21 मार्च से कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल और उनकी तबियत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? अचानक से बताया जा रहा है कि केजरीवाल की तबियत खराब हो गई है। जी देखिए, अभी जो जानकारी सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है, उसमें कहा गया है कि पिछले 5 दिनों से अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में जरूर हैं, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से उनका जो शुगर लेवल है वो लगातार अप डाउन कर रहा है। आज स्थिति ये हो चली है कि 46 तक शुगर लेवल जा चुका है और डॉक्टर्स की माने तो ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात है तो डायबिटिक है, उनके बहुत ज्यादा लंबे समय से इसका इलाज भी चल रहा है। आज ही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी लोगों के सामने रखी कि अरविंद केजरीवाल अंदर से क्या जानकारी दे रहे हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बात का भी जिक्र किया था कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज से ग्रसित हैं और उनकी समस्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उनका यह भी कहना था कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो परेशानी बढ़ सकती है। और अब थोड़ी देर बाद ही जब ये जानकारी सामने आई तो थोड़ी देर बाद ही सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि उनका शुगर लेवल लगातार अप डाउन कर रहा है। डॉक्टर्स की टीम जो ईडी कस्टडी के दौरान ईडी दफ्तर में मौजूद होती है वो उनकी देखभाल कर रही है और लगातार कोशिश की जा रही है इसे मेंटेन करने की। लेकिन लगातार ये खबरें भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का जो रहन सहन है वो उसी तरीके से उनके घर पर तैयार किया गया था कि जिस तरीके से उनका जो ये शुगर का लेवल है वो ठीक से मेंटेन किया जा सके और लंबे समय से वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दलील भी कोर्ट में इस बात को लेकर रखी जा सकती है आने वाले दिनों में कि उनको शुगर की परेशानी है, इसको लेकर उनकी दिक्कतें ईडी कस्टडी में बढ़ रही है। और अगर शुगर लेवल का ड्रॉप होना है ये वाकई चिंता की बात है। धन्यवाद आपका दीपक, जानकारी देने के लिए।